जिला पार्षद उम्मीदवार अंजू सिंह ने कार्यालय का किया उद्घाटन। इटखोरी प्रखंड के जिला पार्षद उम्मीदवार अंजू सिंह ने चुनावी कार्यालय का गांव के ही ब्रिज आदित्य सिंह के कार्यालय का कराई उद्घाटन। इससे पहले पुजारी सुनील पांडे विधिवत पूजा पाठ कराए, उसके बाद फीता काटकर उद्घाटन हुआ। मौके पर नीतीश कुमार सिंह, जिला मंत्री सतीश सिंह, विधायक प्रतिनिधि निरंजन सिंह सैकड़ों में गणमान्य उपस्थित थे। अंजू सिंह के ससुर जी स्वर्गीय धीरेन्द्र प्रसाद सिंह पूर्व मुखिया में 10 साल रह चुके हैं। अंजू सिंह के पति दिलीप सिंह ने कहा कि मेरे पापा धीरेन्द्र प्रसाद के कार्यकाल में जनता के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, इसलिए इस बार मेरी पत्नी अंजू के लिए अंजू को जनता ने खुद जिला पार्षद के लिए चुना है। एयर कंडीशन एसी छाप 1 नंबर पर है, इस पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजय बना। मैं करना चाहता हूं कि आज तक जब से ये पंचायत चुनाव का आगाज हुआ है और जब से पंचायती राज व्यवस्था फिर से जो स्थापित हुआ है, ये 10-12 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है, जनता बहुत त्रस्त है। हम जा रहे हैं गांव-गांव, तो मेरा जो मुख्य एजेंडा है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, बेरोजगारी, किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत तकलीफ़ होता है जब जाते हैं गांवों में, आज भी 21वीं शताब्दी में लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। कहीं सड़क नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं बच्चे, अभी सुदूर ये जो महाने नदी बना हुआ है, अभी एक गांव है आपका जुगुडी, वो समझिए कि एकदम मुख्य धारा से कटा हुआ है। आज तक इतनी बड़ी नदी है, बच्चे आज भी हम जब घूम रहे थे, बहुत बड़ी नदी है, बच्चे स्कूल जाते हैं, नदी क्रॉस करते हैं, इतनी धूप है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ़ होता है कि आज भी ये सब सुविधा हमारे यहाँ नहीं है, बहुत बुरा लगता है। अगर आप जीतते हैं, आपके परिवार जीतते हैं, तो सबसे पहला आप क्या करने लगे? सबसे पहला जो हम तो बताया आपको कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको दुरुस्त करेंगे। आप जनता से क्या अनुरोध करना चाहते हैं? जनता से एक ही अनुरोध करना चाहते हैं कि सभी उम्मीदवारों को देखकर जो बेहतर लगे आपको, जिसको भी अच्छा समझते हैं आप, उसे वोट करिए, हमें जिताइए, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। सर, अंजू सिंह के साथ दे रहे हैं, उसका सबसे मूल कारण क्या है, ये हमें बताएं। वैसे हम किसी उम्मीदवार के सपोर्ट में नहीं हैं, लेकिन इस उम्मीद पर जरूर हैं कि जो काम करने वाला उम्मीदवार है, जिस पर हमको भरोसा है और विश्वास है, उसका साथ हम देने के लिए तैयार हैं। इस परिस्थिति में हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे क्षेत्र के जो मतदाता लोग हैं, उनका रुझान अंजू सिंह के तरफ है, इस विश्वास की वजह से कि इनके स्वर्गीय ससुर धीरेन्द्र प्रसाद सिंह भूतपूर्व मुखिया रह चुके थे, उनका देहांत होने के बाद बहुत सा अधूरा काम रह गया है, और वो हमको विश्वास है कि इनके विजय होने के बाद वो अधूरा काम पूरा हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग सारे पब्लिक, जनता, हर समुदाय के लोग, कोई जाति और धर्म का भेदभाव नहीं रखते हुए इनका साथ देने के लिए हम लोग हैं। हमें उम्मीद है, विश्वास है कि अपने वचन पर ये खरा खोटा उतरेंगे और जनता का सेवा निस्वार्थ भाव से करेंगे। वैसे उनका दबदबा देखा गया, इस विषय में आप क्या कहना चाह सकते हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं, जो भी जनता, अगर ऐसे उम्मीदवार को चयन करे जो दमदार हो, शानदार हो और ईमानदार हो, और यह ईमानदार, दमदार और शानदार अंजू देवी लग रही है, अंजू सिंह, तो ऐसे में अंजू सिंह को वोट करना चाहिए, जो जनता के बहुत से अपेक्षा को पूर्ण करने का हमको आसार दिखता है। ऐसे तो बहुत दिन से चुनाव चल रहा है और चुनाव में कुछ विकास नहीं हो पाता, तो कुछ है ऐसा आदमी को चुनाव कीजिए। हम यही आग्रह करेंगे सभी जनता से कि जो आपको हर मूलभूत सुविधा से आपको रूबरू करा सके, आपके हर अधिकार को दिला सके, और उसमें दम हो सरकार से लेने का और आप तक पहुँचाने का, यही तो मेरा डिमांड है, और यही हम समर्थन करते हैं अंजू देव सिंह जी को, और उनके साथ हम हैं।